कांडी थाना क्षेत्र के मंडरा गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार रात की है। मृतक का पहचान मंदीप बैठा के 35 वर्षीय पुत्र सुनील बैठा के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दी। मृतक का शव अपने घर से लगभग 300 फीट दूर ओम प्रकाश उर्फ झरी बैठा के घर के दरवाजे पर लकड़ी की सीढ़ी की डंडी से लाल गमछे में फांसी पर झूलती मिली है। मृतक की पत्नी कुंती देवी, पिता मंदीप बैठा व बड़ा भाई उदय कुमार बैठा ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मेरे पति का हत्या कर उसे फांसी का रूप दिया गया है। सभी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष से मृतक का अवैध संबंध गांव की एक महिला से था। दोनों को बार बार मना करने के बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। मृतक के शव को सबसे पहले ओम प्रकाश की पत्नी व उसका बेटा गौतम ने देखा, जिसकी सूचना उसके घर जाकर दिया। ओम प्रकाश घर से बाहर दिल्ली में काम करता है। घटना के दिन वह घर पर नहीं था। उसका पुत्र गौतम व अन्य ने पशु से काट कर शव को नीचे उतारा था। मृतक के तीन बच्चे तथा उसके जिसके साथ अवैध संबंध की बात बताई जा रही है उसके भी दो बच्चे हैं। बता दें मृतक की शादी 15 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ही लमारी में हुई थी। वह ट्रैक्टर का ड्राइवर था। मृतक की पत्नी कुंती देवी ने बताया कि शाम में खाना खाकर वह उसके घर आ गए थे, लेकिन मैं उन्हें फिर वापस घर लेकर चली गई थी, लेकिन पुनः 10 बजे रात में जबरदस्ती फिर उसी के घर चले गए थे। सुबह में मरने की खबर मिली। मृतक के बड़े भाई उदय ने आरोप लगाया कि मेरे भाई का शव जहां मिला है वह जिसके साथ जिसका गलत संबंध था उस घर में केवल वह महिला व दो छोटे बच्चे ही हैं जो एक बड़े युवक की हत्या नहीं कर सकते। इस घटना के पीछे कुछ और लोग शामिल हैं। थाना प्रभारी शौकत खान ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान व घटना की स्थिति से यह हत्या का मामला लगता है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करेगी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।